वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। 10th क्लास मैथमेटिक्स। यूनिट नंबर 2, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और अंडरलाइन भी कर देते हैं। एक्सरसाइज 2.8। क्वेश्चन नंबर 3 का अपलोड इस वीडियो में होगा। The sum of 5 times a number and the square of the number is 204. Find the number. लेट करेंगे नंबर को, लेट द नंबर बी एक्स। अभी हमें पता होना चाहिए कि 5 टाइम्स ऑफ द नंबर क्या होता है। 5 टाइम्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 5x, कि आप उस नंबर को
मल्टीप्लाई कर लें 5 के साथ, एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर, स्क्वायर ऑफ द नंबर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ये है बेसिक कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन. अभी एज पर कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन वो मैं लिख देता हूं. एज पर कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x जो कि 5 टाइम हमने फाइंड किया है इज इक्वल टू 204 है. अब x स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा और प्लस 5x भी उसी तरह लिख देंगे आप. 204 जो है उसको शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ चला जाएगा तो 204 माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0. यहां पे मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज होगा, x स्क्वायर. अभी आपको दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 204x स्क्वायर आए और प्लस माइनस करके 5x आए. वो आपके पास है प्लस 17x माइनस 12x माइनस 204 इज इक्वल टू 0. अब इसमें से x आप कॉमन ले लें x जब कॉमन लेंगे इनटू x प्लस 17 ब्रैकेट क्लोज माइनस 12 अगेन कॉमन है इनटू x माइनस 17 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0. इसको मैं चेंज करता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, ये जरा थोड़ा सा डिफरेंट नजर आएगा. अभी आपके पास x प्लस 17 जो है वो अगेन कॉमन है, x प्लस 17 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस 12 ब्रैकेट क्लोज is equal to 0. अभी यहां पे आपके पास दो कंडीशन है, एक तो x प्लस 12 बल्कि ब्रैकेट में इसको लिखते हैं it is x plus 17 is equal to 0. तो यहां से आपको x is equal to
मिलेगा -17, क्योंकि 17 को दूसरी तरफ जब शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। ये वाला जो आंसर है इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि जो बेसिक कंडीशन है क्वेश्चन में वो ये थी कि आपका जो पॉजिटिव नंबर है वो हमें चाहिए। अब नेक्स्ट आपके पास है एक्स -12 इज इक्वल टू 0, यहां से हमें एक्स मिलेगा इज इक्वल टू 12। अब ये कंडीशन हमारा फुलफिल कर रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। तो हमने शुरू में हमने नंबर ही फाइंड करना था, इसमें एक ही नंबर है, इसलिए हमारे पास 12 इज द आंसर। देयरफॉर ट्वेल्थ इज अ डिजायर्ड नंबर, जो हमारा आंसर है। इसको मैं एक दफा आपको रिव्यू कर देता हूँ। 10th क्लास मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन नंबर 3 का अपलोड इन प्रोसेस है। इसका कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा ताकि मोर विजिबिलिटी इसमें आ जाए। ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। द सम ऑफ फाइव टाइम्स अ नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 204। हमने सम फाइंड करना है। सम को मैं कर देता हूँ डिफरेंट कलर के अंदर ताकि आपको पता चल जाए, और इसको बोल्ड भी कर देता हूँ। ये सम इसके अंदर ज्यादा इम्पोर्टेंट वाला आपका पास क्वेश्चन अपना है, वर्ड है, इस पे आपने गौर करना है। और इसके बाद जो स्क्वायर है वो भी इम्पोर्टेंट है, इस पीएस का भी मैं कलर चेंज करता हूँ दिस वन। और फाइव टाइम्स, ये फाइव टाइम भी चूंकि इसमें बहुत मैटर करता है, इसका भी कलर मैं चेंज कर दिया मैंने। नंबर एक्स है फाइव टाइम्स फाइव, फाइव एक्स उस नंबर को जो हमने लेट किया उसको फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया। देन स्क्वायर ऑफ द नंबर, जो उस नंबर का एक्स का स्क्वायर ले लेंगे उस पर। उसके बाद एज पर कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन, ये एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स को ऐड करेंगे और उसको इक्वेट कर लेंगे 204 के। इट इज द बेसिक कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन। देन 204 को दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो इट इज -204। अब हमने मिडटर्म ब्रेक की, 17x और 12x जो है ना दो नंबर आ गए, जिसमें से 17 मैंने रखा पॉजिटिव, 12 रखा नेगेटिव, क्योंकि 17 पॉजिटिव नंबर है। मुझे 5x जो है जो कि मिडिल टर्म है हमारी वो पॉजिटिव है, इसलिए बड़े नंबर का मैंने साइन पॉजिटिव रखा है। इसके बाद x plus 17 आपके पास कॉमन आ गए इनटू x minus 12, और x plus 17 is equal to 0, x is equal to minus 17, क्योंकि मुझे पॉजिटिव नंबर चाहिए था इसलिए मैंने minus 17 को इग्नोर कर दिया, डी भी डाल देता हूँ इग्नोर्ड। देन x minus 12 is equal to 0, x is equal to 12, 12 is the desired answer। अगर आपको मेरी आपको ऑनलाइन टीचिंग सर्विसेज रिक्वायर्ड हूँ तो उसके लिए नंबर नोट कर लीजिए मेरा, दैट इज 0321 0321 5838264। थैंक यू।